राधे राधे। कार्तिक नैतम्य का 12वां अध्याय। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास। 12वां अध्याय लिखे कमल यादास। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भयकंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र कन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाम, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण ने अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वजन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। कार्तिक नैतम्य का 13वां अध्याय। श्लोक। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं बाणों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यतीत होकर उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीतना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रण दुर्मर्थ दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधियों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। तब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की। मित्रों, अगर यह अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना और जो मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना। जो भी यह अध्याय सुन रहा हो वह मेरे कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखना। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हों